गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम किरण मठारू, योर ऑनलाइन टीचर। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हाँ जी बेटा, अपना ऑलरेडी नैस दी प्रेपरेशन चल रही है सारे स्कूल्स दे विच, ठीक है? तो सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं उदे लई। तो इस वीडियो दे विच आपां 50 MCQs करांगे, ठीक है, जो कि तुहाडे नैस दे लई और तुहाडे बोर्ड दे एग्जाम दोनों दे लई ही बेनीफिशियल हैगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फस्ट पार्ट अपना हैगा हुण भूगोल ज्योग्राफी। लैसन नंबर 1 दे विच्चों है क्वेश्चंस। लैसन नंबर 1 है साधन किस्मा अते साम संभाल। क्वेश्चन नंबर 1, हेठ लिखिया विच्चों केड़े कुदरती साधन हन? हाँ जी, चार ऑप्शन दिती हुई हैं, जंगल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, उपरोक्त सारे। हुण आपां नूं पता है कि पहले वाले तीन ऑप्शन जिहड़ियां उह सही हैगियां, ठीक है, सारे ही कुदरती साधन है, जंगल, मिट्टी ते खनिज पदार्थ। सो इहदा आंसर की आ गया, ए वाली ऑप्शन सस ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सारे। हाँ जी, नैक्सट इज क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार के साधन हैं? मुक्कन योग साधन, ना मुक्कन योग साधन, उपरोक्त दोवें प्रकार के, या इन्हां विच्चों कोई नहीं। हाँ जी, हुण पेट्रोलियम पदार्थ किस प्रकार के साधन है आपां नूं पता, मुक्कन योग साधन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, हेठ लिखिया विच्चों केड़ा साधन गैर कुदरती साधन है? क्वेश्चन नंबर 3, हेठ लिखिया विच्चों केड़ा साधन गैर कुदरती साधन है? दरिया, बनावटी खाद, सूरजी शक्ति, या खनिज पदार्थ। हाँ जी, सही आंसर की हैगा, बनावटी खाद, ठीक है, एक गैर कुदरती साधन है। बाकी दे जो भी आप देख रहे हैं, दरिया, सूरजी शक्ति या खनिज पदार्थ, ये सारे कुदरती साधन है। क्वेश्चन नंबर 4, हवा किस प्रकार का साधन है? मुक्कन योग साधन, ना मुक्कन योग साधन, उपरोक्त दोवें प्रकार दे, जां इन्हां विच्चों कोई नहीं। हुण इहदा की आंसर आएगा, हवा किस प्रकार का साधन है, सैकेंड ऑप्शन, ना मुक्कन योग साधन। क्वेश्चन नंबर 5, धरती का किन्ने प्रतिशत भाग पानी है? 75%, 80%, 60%, जां 71%। हाँ जी, हुण सही आंसर की हैगा, 71%। क्वेश्चन नंबर 6, हेठ लिखिया विच्चों केड़ा तत्व खनिज पदार्थ है? सोना, कोला, अबरक, मैगनीज। हाँ जी, हुण तत्व खनिज पदार्थ केड़ा इहदे विच्चों, सोना। क्वेश्चन नंबर 7, धरती दे किन्ने प्रतिशत जीव समुंदरां तों उत्पन्न हुंदे हन? 50%, 75%, 60%, जां 80%। हाँ जी, एग्जैक्ट ऑप्शन की हैगी है, 75%। हाँ जी, नैक्सट MCQs अपने लैसन नंबर 2 विच्चों हैगे आ, कुदरती साधन विच्चों। हाँ जी, नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 8, भूमि नूं मुख तौर पर किन्ने धरातली भागों में वंडिया जा सकता है? 1, 2, 3 या 4? तो सही आंसर की हैगा, 3। क्वेश्चन नंबर 9, हेठ लिखिया विच्चों केड़े तत् मिट्टी की रचना विच भूमिका निभाते हैं? चट्टाना, पौधे, जीव जंतु, या उपरोक्त सारे। सही ऑप्शन की हैगा, उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किन्ने किस्म की मिट्टी पाई जाती है? 4, 5, 6 या 7? राइट ऑप्शन केड़ा हैगा, 6। क्वेश्चन नंबर 11, कपाह की फसल लई किस किस्म की मिट्टी सब तो वधिया मन्नी जाती है? काली मिट्टी, जलोड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, या मारूथली मिट्टी। हाँ जी, इहदे चों केड़ा आंसर सही हैगा, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 12, किस किस्म की मिट्टी का खेतीबाड़ी को प्रफुल्लित करने में बहुत बड़ा योगदान है? लैटराइट मिट्टी, जलोड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, मारूथली मिट्टी। हाँ जी, सब तो वध उपजाऊ कौन होती है मिट्टी? एड़ा ऑप्शन, जलोड़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कितने प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? 2, 5, 6, 8? हाँ जी, आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 14, हुण तक भारत में कितने कौमी पार्क बनाए गए हैं? 70, 65, 100 या 104? आंसर की हैगा सही, 104। जी, नेक्स्ट अपने चैप्टर जो हैगे लास्ट नंबर 4 दे विच्चों क्वेश्चन है साड़ी खेतीबाड़ी दे विच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, हेठ लिखिया विच्चों केड़े तत् खेतीबाड़ी नूं प्रभावित करते हैं? जलवायु, मिट्टी की किस्म, सिंचाई सहूलत, या उपरोक्त सारे। इहदा आंसर हैगा, उपरोक्त सारे। जिन्हां इलाकों में वर्खा 50 सेंटीमीटर सालाना तो घट होंदी है उत्थे किस किस्म की खेती की जाती है? संघनी खेती, खुश्क खेती, मिश्रित खेती, या इन्हां विच्चों कोई नहीं। हाँ जी, हुण आंसर की हैगा, हाँ जी, एड़ा ऑप्शन, खुश्क खेती। क्वेश्चन नंबर 17, हेठ लिखिया विच्चों केड़ी अनाज फसल नहीं है? कणक, चावल, कॉफी, या मक्की,
हैगी है कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत चावल की पैदावार विच संसार भर में किन्नवें नंबर पर आता है? दूजे, पहले, तीजे या चौथे? इसका आंसर है दूजे। क्वेश्चन नंबर 19, मक्की के पौधे की उत्पत्ति किस देश दे विच हुई? भारत, चीन, इंग्लैंड, संयुक्त राज अमरीका? आंसर है संयुक्त राज अमरीका। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सब तो वध चाह किस राज विच पैदा की जाती है? पंजाब, गोवा, असाम, हरियाणा? असाम। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय अनाज भंडार विच केड़ा राज सब तो वध कणक का हिस्सा पा रहा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? सही आंसर की हैगा पंजाब। हाँ जी, नैक्सट अपने लास्ट नंबर 5 आफत प्रबंधन वाले चैप्टर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, भूचाल को मापन का खुला पैमाना केड़ा है? रिक्टर पैमाना, मरकाली पैमाना, उपरोक्त दोवें या इन विचों कोई नहीं? हाँ जी, ये है रिक्टर पैमाना। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में चक्रवातों को किहड़े नावों नाल जाणिया जाता है? हरीकेन, तायफून, तूफान या उपरोक्त सारे? तो भारत में जाणिया जाता है तूफान के नाम नाल चक्रवातों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हेठ लिखिया विचों किहड़ी कुदरती आफत नहीं है? सुनामी, भूचाल, बम धमाके या हड़? ये की हैगा बम धमाके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25, ज्वालामुखी मुख तौर पर किन्नी तरह के होंगे? 1, 3, 5 या 7? तो आंसर की हैगा 3। क्वेश्चन नंबर 26, 1943 किस देश में ज्वालामुखी फटन के नाल भारी जानी और माली नुकसान होया सी? मैक्सीको, भारत, चीन या अमरीका? ये है मैक्सीको। क्वेश्चन नंबर 27, हेठ लिखिया विचों केड़ी फसल सोकाग्रस्त इलाके विच बीजनी चाहिदी है? मक्की, बाजरा, दालां या उपरोक्त सारियां? इसका आंसर की हैगा उपरोक्त सारियां। क्वेश्चन नंबर 28, जदों एक बीमारी बहुत वड्डे पद्धर ते फैल के लोगों उत्ते मारू हमला करती है तो उसनू की कहिंदे हन? डेंगू, हैजा, महामारी या प्लेग? तो इहनू की कहिंदे आ फिर महामारी। श्री नैक्सट अपने हिस्टरी दे विचों क्वेश्चन हैगे लैसन नंबर 6 दे, कित्थे, कदों, किवें। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय इतिहास नू किहड़े काल विच वंडिया गया है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या उपरोक्त सारे? तो आंसर है उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आधुनिक काल का आरंभ किहड़ी सदी विच होया? 16वीं, 17वीं, 18वीं या 19वीं? तो होया 18वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 31, अवध नू किस ने सुतंत्र राज घोषित किया? सादत खान, अली वर्दी खां, हैदर अली या मुर्शिद कुली खां? इसका आंसर की हैगा मुर्शिद कुली खां। जी, अवध नू किसने स्वतंत्र राज घोषित किया? इसका आंसर है पूरा ऑप्शन सादत खान। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक काल में भारत में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और डैश यूरोपीय शक्तियां आईया? मराठे, अंग्रेज, सिख या उपरोक्त कोई नहीं? इन्हां दे नाल किहड़ियां होर यूरोपीय शक्तियां सी? अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के विचकार कर्नाटक के 3 युद्ध होए, ये कदों तो कदों तक होए? हाँ जी, 4 ऑप्शन दी हुई है, 1744 तो 1763, 1724 तो 1739, 1725 तो 1730 ते 1739 तो 1745। तो ये ऑप्शन हैगी है ओड़ा ऑप्शन करैक्ट, 1744 तो लैके 1763 ईस्वी तक। नैक्सट अपना चैप्टर है 7, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 34, 27 मई 1498 भारत पहुँचने वाला पहला पुर्तगाली कौन सी? फर्दीनंद मैगलोन, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, डियागो सिल्वस? हाँ जी, ये है वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 35, महारानी एलिजाबेथ पहली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत नाल व्यापार करने का किन्ने समय लई एकाधिकार दिता? 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल? इसका आंसर की हैगा 15 साल। 1690 ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम नाँ का किला कित्थे उसारिया सी? मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या दिल्ली? हाँ जी, ये कित्थे उसारिया सी? कलकत्ता च। क्वेश्चन नंबर 37, प्लासी की लड़ाई कदों हुई? 23 जून 1757, 23 जून 1857, 14 जून 1698, 23 जून 1764? तो एग्जैक्ट ऑप्शन की हैगी ये 23 जून 1757। क्वेश्चन नंबर 38, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किस नवाब के दरम्यान हुई? नवाब मीर कासिम, नवाब मीर जाफर, नवाब सिराजुद्दौला या इन विचों कोई नहीं? ए सी नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 39, बक्सर की लड़ाई कदों हुई? 1761 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1766 ईस्वी। ए है 1764 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 40, लैप्स की नीति किस गवर्नर जनरल वालों अपनाई गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स, इन्हां विच्चों कोई नहीं, तो यह है लॉर्ड डलहौजी। नैक्सट चैप्टर है अपना प्रशासनिक बणतर, बस्तीवादी सेना ते सिविल प्रशासन का विकास। क्वेश्चन नंबर 41, ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों की जाँच करने लिए किहड़ा एक्ट पास किया गया? चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या उपरोक्त कोई नहीं, ए है रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सिविल सर्विस और पुलिस प्रबंध का मोढ़ी किसनों मनिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 43, पिट्स इंडिया एक्ट कदों पास होया? पिट्स इंडिया एक्ट कदों पास होया? 1773 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1784 ईस्वी, 1863 ईस्वी। ए होया सी 1784 ईस्वी। नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सर्वोच्च अदालत की स्थापना कित्थे की गई? बंबई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली? ये की गई सी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 45, किहड़े पहले भारती ने सिविल सर्विस की प्रीख्या पास की? सतेंद्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रविंद्र नाथ टैगोर? ए सी उड़ा ऑप्शन, सतेंद्र नाथ टैगोर। हाँ जी, नैक्सट चैप्टर है अपना पेंडू जीवन और समाज, ये क्वेश्चन नंबर 46, अंग्रेजों ने भारत में लगान इकट्ठा करने लिए किहड़े प्रबंध लागू किए? स्थाई बंदोबस्त, रेतवाड़ी प्रबंध, महलवाड़ी प्रबंध या उपरोक्त सारे? तो इन्होंने किए सी उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 48, स्थाई बंदोबस्त कारण डैश भूमि के मालिक बन गए? मजदूर, जुलाहे, जिमीदार या किसान? कौन बन गए सी? जिमीदार। क्वेश्चन नंबर 49, रेतवाड़ी प्रबंध कदों शुरू किया गया? 1793, 1820, 1765, 1777 ईस्वी। एड़ा ऑप्शन 1820 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 50, 1866 तो 67 ईस्वी के नील की खेती विरुद्ध कितने विद्रोह होया? चंपारण, पंजाब, बनारस, उपरोक्त कोई नहीं, ये होया सी चंपारण च। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो दे विच आपां 50 MCQs ऑलरेडी कर लिया, नैक्सट वीडियो आपां नैक्सट क्वेश्चन जिहड़े आ ओह कंटिन्यू करांगे, ठीक है? सो ये क्वेश्चन रिवाइज़ कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।